रणबीर, 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 रणबीर। रिया जीत की दीदा। अगर मैं तुमसे कहूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है तो तुम मेरा यकीन करोगी? क्योंकि गुस्सा करना कभी कभी बहुत अच्छा होता है। गुस्से में दिल की बात बाहर निकल आती। रणबीर का गुस्सा करने से उसके इमोशंस बाहर आ गए, प्राची के भी आ जाते। अगर रणबीर थोड़ा गुस्सा कम कर देता। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। कल क्या होगा? कल वो होगा जो हम दोनों ने अभी तक सोचा ही नहीं है। मतलब? मतलब ये कि हम घर में सत्यनारायण की पूजा सुख शांति और समृद्धि के लिए करते हैं। और घर में सुख शांति तभी आती है जब घर के सभी लोग खुश हो। और हम दोनों जानते हैं अच्छी तरह से कि इस घर की खुशी किसके साथ है। रणबीर सिर्फ प्राची के साथ खुश होगा और प्राची सिर्फ रणबीर के साथ। और हम तभी खुश होंगे जब ये रियाना इस घर से जाएगी। रिया अकेले नहीं जाएगी, वो अपनी बुजी के साथ जाएगी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? और ये कौन है? आप? अब तुम हमें पहचानोगे भी नहीं। प्रीति हमारे घर काम करती है और तुम वहाँ आए थे होली के दिन। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था कि आप कौन है। मेरा मतलब कि आप लोग अचानक से इतनी रात मेरे घर। अरे आले मैम, आपको तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा पहचानने में भूल हो गई थी। वैसे मैं आपको जानता हूँ कि आप कौन है। आप लोग बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना, आइए, बैठिए बैठिए। वो ये थोड़ा सा मैं इसको अंदर। रिया ये मत देखो कि ये कहाँ रहता है और कैसे रहता है, बस हमें इससे अपना काम करवाना है। I'm not judging, बुजी। मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। छी आले मैम, अब बताइए कैसे आना हुआ। हमने सुना तुम चोरी या डकैती के लिए जेल गए थे। पूछ रही हैं कि बता रहे हैं। देखिए प्रीति का इससे कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो पता भी नहीं है इस बारे में। प्लीज उसको नौकरी। हम ये सब करने नहीं आए हैं यहाँ पर। हमें तुम्हारी पास्ट लाइफ या पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। तुमने मुझसे 10,000 रुपए लिए थे, याद है? वो आप वापस लेने आई हैं? मैडम जी अभी तो नहीं है, जब आएंगे। नहीं,
पैसे लेते समय तुमने कहा था कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फंसी तो मैं तुम्हारी हेल्प ले सकती हूँ, मांग सकती हूँ तुमसे कोई भी हेल्प। इन अदर वर्ड्स, एहसान चुकाने का टाइम आ गया है। बड़ी जल्दी नहीं आ गया? मुझे तो लगा था कि तुम उस टाइप के इंसान होगे जो फेवर अपने सर पे ज्यादा देर नहीं रखता होगा, लेकिन तुम तो। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था कि प्रॉब्लम बड़ी जल्दी नहीं आ गई। अच्छा हुआ प्रॉब्लम जल्दी आ गई, वरना तुम रोड पे फेवर मांग रहे थे। अरे आप लोग तो बुरा मान गए, मेरा मतलब था कि प्रॉब्लम तो हम जैसों की लाइफ में आती है, आप लोग पढ़े लिखे। काम की बात कर ले जी। तो तुम जिस चोरी या डकैती के लिए अंदर गए थे वो कितना बड़ा अमाउंट था? ज्यादा बड़ा नहीं था, इतना था कि 2-3 साल आराम से कट जाते, वैसे भी मेरा खर्चा ही क्या है। रिया ने पूछा कि कितने पैसों की चोरी करने वाले थे। आप लोग मुझसे मिलने आए हो या फिर इंटोग्रेशन करने आए हो? एक सेकंड, इसमें कैमरा वैमरा तो नहीं लगा हुआ ना कोई? जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। 3-3 लाख। 6 लाख में किसी का मर्डर करोगे? मर्डर? मैडम जी किसका मर्डर करना है? रणबीर, किताब ये तो बहुत परेशान लग रहा है। पता है किताब, आपको रणबीर से बात करनी चाहिए, प्राची से बात करनी चाहिए, हम ऐसे वेट तो नहीं कर सकते है ना? दोनों बहुत दुखी है, परेशान है, किताब उन्हें जरूरत है हमारी, स्पेशली आपकी। उन्हें सबकी जरूरत है। मैं पल्लवी को पूजा की साड़ी देने जा रही हूँ। पूजा की साड़ी देना जरूरी है ना? मतलब अभी देना जरूरी है? हाँ अब भी देना जरूरी है। देने सारी जाऊंगी पर बातों बातों में उसे समझाऊंगी कि वो गलत कर रही है, वो एक सास है और मैं उसकी सास हूं, उसे सही रास्ता दिखाना मेरा फर्ज है।
जब मैंने तुमसे कहा था रुक जाओ तो रुके क्यों नहीं? तुमसे कुछ पूछ रही हूं मैं, बात कर रही हूं, तुमसे बात क्यों नहीं कर रहे? दुखी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। करनी पड़ेगी, जो सवाल पूछ रही हूँ जवाब देना पड़ेगा। क्यों देना होगा जवाब तुम्हारा? तुमने मेरा जवाब दिया जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो कि नहीं जाना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा जवाब क्यों दूं? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती थी। मेरे साथ जा नहीं सकती थी या तुम जाना चाहती नहीं थी, ये दो अलग अलग चीज है। तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती थी। ओके, मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि चले जाना मतलब फैमिली से दूर होना, परिवार से दूर होना, जो मैं नहीं चाहती थी। क्योंकि मुझे पता है जब हम परिवार से दूर होते हैं ना तो कैसा लगता है। आई नो दैट फीलिंग, समझना भी बन जाते हैं। वेरी गुड यार प्राची, तुम्हारे रिश्तों को समझने की सोच कितनी गहरी है। वाओ, आई लव इट, वेरी नाइस। कभी कभी तुम्हारी बातें सुनके मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो तुमसे बेहतर रिश्ते संभाल सके। संभाल इज अंडरस्टेटमेंट आई थिंक। तुमसे अच्छे रिश्ते संजो कोई नहीं सकता है, बस मेरे रिश्ते की परवाह नहीं है। दुनिया, दुनियादारी, सबकी परवाह है। लोगों की खुशी की ठीक ही दारी ले रखी है तुमने, लेकिन बस अफसोस इस बात का है कि गिनती में मैं नहीं हूं। यू नो व्हाट प्राची, जब तुम इस घर में लौट के आई थी ना, मुझे तुम्हें देख के ऐसा लगता था कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो और तुम्हें सिर्फ हमारा प्यार याद है। लेकिन मैं गलत था, तुम हमारा प्यार भूल चुकी हो और तुम्हें बाकी सब कुछ याद है। अब अगर तुम्हें सब कुछ इतना कुछ याद है तो मुझे भी कुछ याद आ रहा है। मुझे याद आ रहा है कि जिस दिन तुम घर पे आई थी तुमने मुझे क्या कहा था कि रणबीर, मैं तुम्हारा सुख और चैन सब लूटने आई हूँ, छीनने आई हूँ, तुम्हें परेशान करने आई हूँ। यू नो व्हाट प्राची, यू विन, तुम जीत गई। तुमने मेरा सुख चैन सब छीन लिया यार। मेरी हालत देख लो यार, ना मुझे सही गलत समझ में आता है, ना मुझे असली झूठ समझ में आता है, खुद समझ नहीं आता। मेरी हालत तुमने खराब कर दी है। दिस इज व्हाट यू वांटेड, तुम्हें मिल गया है। तुम्हें तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता होगा ना मेरी इस हालत को देखे कि वाओ कितनी खराब हालत कर दी मैंने इसकी, या तुम्हें और खराब करनी है अभी हालत? बट यू नो व्हाट प्राची, तुम चाहे मेरी कितनी खराब हालत कर लो, तुम चाहे मुझे सरफिरा आशिक बना दो, तुम मुझे कुछ भी बना दो, लेकिन मैं वही रहूंगा। मैं रणबीर कोहली ही रहूंगा, द यंगेस्ट बिजनेस टाइकून ऑफ दिल्ली। आई विल स्टे देयर। तुम चाहे मुझे कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, मुझे तुम्हारे झमेले में नहीं पड़ना। तुम्हें जो करना है तुम करो, रिया को जो करना है करे, मम्मी को जो करना है करे। आई एम डन विद यू गाइस, आई एम डन। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अब सिर्फ अपने लिए जीना। आई विल नाउ वर्क, वर्क एंड ओनली वर्क। आई डोंट केयर अबाउट यू, आई डोंट केयर अबाउट मॉम, आई डोंट केयर अबाउट रिया, एनीवन। राइट नाउ यू आर ड्रंक रणबीर, हम कल बात करेंगे। यही तो तुम्हारी खासियत है, जब तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता, बताने के लिए नहीं होता, तब तुम सामने वाले को बोल देती हो दैट यू आर ड्रंक। इससे तुम तो बच जाती हो, तुम शरीफ हो जाती हो और सामने वाला कुछ नहीं बोल पाता। बट यू नो व्हाट, आई एम नॉट ड्रंक, बट आई विल बी ड्रंक। क्या कर रहे हो, मत पियो इसे, डोंट। क्यों ना पियूं? क्योंकि मैं बोल रही हूं मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम भी तो बहुत चीजें करती हो जो मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम करती हो ना, तुम किस हक से मुझे रोक सकती हो? बाय द वे, तुम्हारा वो पेरेंट्स वाला जो बहाना था ना कि हम साथ नहीं जा सकते क्योंकि पेरेंट्स, वो बहुत अच्छा था। वेरी गुड, मैं पागल था जो मैं अपने माँ बाप को छोड़ के तुम्हारे साथ रहने आ गया, लेकिन तुम तो समझदार निकली कि तुमने मेरे साथ आने से मना कर दिया क्योंकि पेरेंट्स। आज मुझे पता चल गया कि सच्चा प्यार किसने किया था और प्यार के नाम पे मजाक किसने किया था। डोंट कवर अप, तुम्हें आज मैं असलियत बताता हूं। तुमने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी ना, मैं तुम्हारे सामने प्रूफ कर दूंगा कि तुम गलत हो और मैं सच्चा हूं। लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करो, या इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना लो। नो, डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन। इसीलिए क्योंकि मैं अपनी आंखों में खुद को इनोसेंट प्रूफ करना चाहता हूं, खुद को। मैं इस गंदगी में और नहीं रह सकता। यू नो आई डोंट वॉन्ट दीस डर्टी एक्यूजेशंस ऑन मी। और तुम प्राची, आज से तुम आजाद हो। यू आर फ्री फ्रॉम माई एंड। कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो, यही चाहती थी ना तुम। मैंने तुम्हारे हिस्से की खुशियां तुम्हें दे दी हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा टाइम लग गया, बट फाइनली आई थिंक अब तुम खुश होगी। यू आर फ्री।
मैडम जी कुछ कुछ तो बोलिए, किसका मर्डर करना है? ये तो मैंने, तुमने इसे हमारे घर में देखा है, you're right. अरे मैडम जी, आपके घर रहती है तो इसका मर्डर क्यों करवाना है आपको? तुम्हें 6 लाख मर्डर के मिल रहे हैं, सवाल पूछने के लिए नहीं. अरे ऐसे थोड़ी ना रही है मैडम जी, जल्लाद थोड़ी ना हूँ कि सरकारी मुलाजिम ने मुझे बोला कि इसको फांसी पे लगाना है तो बिना सवाल पूछे क्या गुनाह किया है, मार दिया. क्या करोगे जानकर? बस इतना जान लो कि तुम पकड़े नहीं जाओगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम तुम्हारी मदद करेंगे. लेकिन कहाँ, कैसे और कब मारना है? अपने ही घर पे. हम तुम्हें कल घर पे बुलाएंगे. घर पे कल बहुत लोग आने वाले हैं, काफी भीड़ होगी. तुम्हें इसी भीड़ का फायदा उठाते हुए घर के अंदर आना है. भीड़ में बिल्कुल पता नहीं चलेगा कौन आया कौन गया. और हम तो वहाँ होंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए. और हमारी हेल्प से तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा. Stop smiling. Sorry, वो आपने बोला ना कि काम आसान है तो हंसी छूट गई मेरी. अब वो क्या है ना मैडम जी, इस दुनिया में कोई ना कोई किसी को मारना ही चाहता है. और अगर मारना इतना ही आसान होता तो इस दुनिया की आबादी आधी होती. और वैसे भी आपके घर में चाकू वाकू है ना, रात को सो रही होगी, गला काट दीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व. लेकिन पता है, आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं. और वैसे भी क्या है ना कि अगर 3-4 लाख की चोरी करते हुए पकड़ा भी गया तो कितने टाइम जेल में रहूंगा, 2 साल 3 साल 4 साल. लेकिन अगर मर्डर करते पकड़ा गया ना तो पूरी जिंदगी चक्की पीसनी पड़ेगी मुझे. तो ये काम कैसे आसान है ये मुझे समझाइए, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए. मैं जानता हूं आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंह बंद करके आपका काम कर देते हैं और आप उनका मुंह पैसों से भर भी देती. पर मैडम जी, वो क्या है ना कि आई एम थोड़ा सा डिफरेंट. दिमाग के साथ साथ मेरी जुबान भी चलती है. और ऐसा मत सोचिए कि मैं आप लोगों से इतने सारे सवाल पूछ रहा हूं तो मैं कोई प्रोफेशनल किलर हूं, बिल्कुल नहीं. मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूं और मैंने पढ़ाई शुरू भी कर दी थी, लेकिन क्या है ना कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगा. और उसके बाद मैंने टैक्सी चलाने शुरू की. टैक्सी भी मैंने इसलिए चलाने शुरू की ताकि कोई मेरा बॉस ना बने, कोई मुझे सुना ना सके. पर आप लोग मुझे ही सुना रहे हो. रिस्पेक्ट तो डिजर्व करता ही हूँ मैं, टैलेंटेड आदमी हूँ मैं. और हाँ, टैलेंट से याद आया, कुछ में एक टैलेंट और भी है. मैं ना सीक्रेट बहुत अच्छे छुपाता हूँ. तो मेरी चिंता करना छोड़िए और ये सोचिए, अगर आप लोग पकड़े गए तो क्या होगा. मतलब कि तुम काम करोगे? 100% जी, श्योर, डन. लेकिन क्या ना कि 6 लाख की जगह 8 लाख लूंगा. 8 लाख? देखिए मैडम जी, काम आपका दाम मेरा, इक्वल इक्वेशन. और वैसे भी क्या है ना, इस मर्डर को एक्सीडेंट दिखाना है, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ये दुर्घटना हुई है. 7 लाख, डील और नो डील? चला लेंगे जी काम. डन डील, डन. तुम्हें ये काम कल सुबह ही करना होगा. और जैसे तुमने कहा कि मौत एक दुर्घटना लगनी चाहिए, तुम जितना अपने आप को कूल दिखा रहे हो, स्मार्ट दिखा रहे हो, तुम उतने स्मार्ट हो नहीं. मैडम जी, स्मार्ट तो मैं हूं ही. आप चाहती तो 3 लाख में काम करवा सकती थी, पर मैंने इस काम के आपसे 7 लाख रुपए ले लिए. स्मार्ट तो मैं हुई. पर अगर हम तुम्हें 3 लाख ही दें इस काम का तो डील कैंसिल जी. नाइस मीटिंग यू जी. ओके लिसन, तुम्हें 7 लाख ही मिलेंगे. कल सुबह घर आ जाना. लेट्स गो पूछी. रिया मैडम, अच्छा वो बड़ा वाला झूमर आज भी घर पे ही है? हाँ है. तो जिसे आप मारना चाहती है ना, उसे आखिरी बार मिल लीजिए. आज रात इसकी जिंदगी की आखिरी रात है. की बातों का ना तो बिल्कुल भी दिल से मत ले. उसे जो भी कहा ना, सब गुस्से में कहा और कुछ नहीं. गुस्से में ही साथ सच बोलता है शाना. मैंने कितनी बार गुस्से में आके अपने दिल की बात बोली है. जब इंसान गुस्से में होता है ना तो आगे पीछे नहीं देखता, नहीं देखता सामने वाले के इमोशंस क्या है, वो क्या महसूस कर रहा है, क्या फील कर रहा है, नहीं देखता, बस अपनी बात रखता. और अगर आप गुस्से में भी सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहते ना, दैट्स आउट ऑफ श्योर लव. लेकिन रणबीर ने ऐसा नहीं किया. उसे जो बोलना था उसने बोल दिया, जो नहीं बोलना था वो भी बोल दिया. बट डोंट वरी, मैंने उसकी कोई भी बात दिल पे नहीं ली. मैं उसकी हर बात अब अपने दिमाग में रखूंगी, याद रखूंगी कि उसे मेरी परवाह नहीं है. उसने ये तक कह दिया कि उसने हमारे इस रिश्ते से आजाद कर रहा है वो मुझे, रिश्ते से मतलब इस शादी से, प्यार से. हम उसे अब मेरी जरूरत नहीं है. जिसके पीछे भागता था, जो चाहिए था, उसके पीछे अब नहीं भागेगा.
मैं ही पागल थी, दो तीन दिन से पागलों की तरह सोच रही थी, अब हम एक हो सकते हैं। मैं एक होने के बारे में सोच रही थी शाहना, बट अच्छा हुआ सिर्फ सोच रही थी, कुछ किया नहीं, कुछ बोला नहीं। मूड स्विंग्स थे वो शायद मेरे, मूड स्विंग्स ही थे, इमोशंस थे, और होंगे भी ना। रिश्ता तो था हमारे बीच, दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता था, पर अच्छा हुआ इमोशंस में बह के, मैं भावनाओं में बह के, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने रणबीर को सब नहीं बताया। राची तेरे कुछ बताने या ना बताने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना, सच तो यही है ना कि रणबीर इनोसेंट है, वो ना अपनी फैमिली के बीच फंस गया है, वो बेचारा सबको खुश करने के चक्कर में ना अपनी खुशी नहीं देख पा रहा है, वो बस सिर्फ पिस रहा है और कुछ नहीं। नहीं, वो बस अपने आप से परेशान है, उसे किसी को खुश नहीं रखना है, खुश नहीं करना है, वो बस सबकी नजरों में महान बनना चाहता है, दैट्स व्हाट ही वांट्स। दुनिया के सामने अपने आप को वो इनोसेंट साबित कर दे, पाक साफ साबित कर दे, मेरे सामने नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ उसे, अब तो दावे के साथ कह सकती हूँ उसने रिया के साथ।